नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की हमारी स्पेशल स्टोरी में आपके लिए है कुछ स्पेशल। अब स्पेशल है वो तो हम ऐसे नहीं बताएंगे, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी ये स्टोरी। इंडियन रेलवे ने दक्षिण पूर्वी विभाग में अप्रेंटिस के कई पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। आपको बता दें कि आवेदन की अंतिम तिथि 12 नवंबर 2018 निर्धारित कर दी गई है। रेलवे में ये भर्ती फिटर के साथ कारपेंटर, वेल्डर, मशीनिस्ट और इलेक्ट्रीशियन के पदों के लिए हो रही है। रेलवे पर 10वीं, 12वीं और स्नातक भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित की गई है। पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य के लिए 100 रुपये, आवेदन और SC ST PWD महिला उम्मीदवार के लिए कोई आवेदन शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ग्रुप डी के लिए रेलवे 62,907 पदों पर भर्तियों के लिए परीक्षा आयोजित कर रहा है। साथ ही परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र परीक्षा से 4 दिन पहले जारी किया जा रहा है। हाल ही में 19 अक्टूबर को परीक्षा होने वाली है, जिसके लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। आयु सीमा, न्यूनतम आयु 15 वर्ष, अधिकतम आयु 24 वर्ष, जरूरी योग्यता, आपको एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं 12वीं और प्रणाली में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जिसमें कुल 50% अंक होना अनिवार्य है। आपको NCVT द्वारा दिए गए ITI पास प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता है। बताते हैं कैसे करें आवेदन। दक्षिण पूर्वी रेलवे भर्ती के लिए लिंक APPRECRUIT.CO.IN पर क्लिक करें, पंजीकरण पर क्लिक करें, अपने व्यक्तिगत विवरण बहुत सावधानी से भरें। पंजीकरण पूरा करने के बाद आपको एक अद्वितीय पंजीकरण ID और लॉगिन ID पासवर्ड दिया जाएगा। सभी प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करें, आवेदन शुल्क का भुगतान करें, सबमिट पर क्लिक करें। तो दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आपको हमारी स्टोरी बेहद पसंद आई, और नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की बहुत सारी स्टोरी हमसे जानने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।